हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू आजमी जी ब्लॉग। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और दुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज इस ब्लॉग में मैं आप लोग को दिखाऊंगा ना, यहां पे सऊदी अरबिया में गाड़ी कैसे धुलते हैं। और क्योंकि मेरी गाड़ी ना बहुत गंदी हो चुकी है, तो इसको काफ़ी दिन हो गया था वॉश कराए, तो वही अभी आज चल के मैं अभी ना वॉश कराऊंगा और चीज़ मैं आप लोग को दिखाऊंगा यहाँ क्या सिस्टम है और कितना पैसा लेते हैं लोग इंडिया के मुकाबले में और यहाँ सऊदी अरबिया के मुकाबले में कितना फ़र्क रहता है। और जैसा कि अभी मेरा ड्यूटी ख़त्म हो चुका है तो मैं चला आया था सुलई, और आज थर्सडे है ना, तो इसकी वजह से हाफ डे था, तो थोड़ा सा एक सामान था, एक प्लेट था, हमारे एक भाई हैं उनकी एक शॉप ओपन हुई है, उस शॉप पे ना उसका फ्रेम कटवाना था, तो वही मैं कटवाया हूँ, लेके आया हूँ। तो मैं कल गया था वहाँ पे, तो भाई मेरे को पहचान गए, वो लखनऊ के थे, तो मेरा ब्लॉग वो देखते थे, तो और मैं अपना कैमरा लेके नहीं गया था, कैमरा रूम पे ही था, तो मैं बोला यार चलो ठीक है, कोई मुश्किल नहीं, और लोकल मोबाइल था उससे शूट करेंगे तो बहुत बेकार आएगा, ये वाला मोबाइल था हवावी का Y9, तो कैमरा इसका सही नहीं है, तो मैं इसके लिए शूट नहीं किया। तो बोला चलो ठीक है, मुश्किल नहीं, किसी और दिन आऊँगा मैं, तो इंशाल्लाह मैं शूट करूँगा, करके दिखाऊँगा आप लोग को भी। और मैं उसका फ़ोटो लिया हूँ, फ़ोटो लगा दूंगा, वो यानी फ्रेम कैसा है, वो लेज़र से काट उट के बनाते हैं। और वो भी मिल गए अपने सरायमीर के, अपने आजमगढ़ के, और एक भाई जो मेन जो थे वो लखनऊ के थे, और एक भाई सरायमीर के थे, तो बोले चलो ठीक है, मुश्किल नहीं है, मेरे पास में ही है, किसी दिन मैं आऊँगा तो इंशाल्लाह आप लोग को भी मैं शेयर करूँगा। तो अभी मैं रास्ते में हूँ यार, ना बहुत और गर्मी पड़ रही है यार, गाड़ी में देखो पूरी फुल एसी चालू है, लेकिन इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है कि मैं क्या बताऊं यार, कसम से बहुत गर्मी हो रही है। अभी इस टाइम मैं हूँ मक्का वाले रोड पे, मक्का वाले रोड से अभी मैं जा रहा हूँ बता सीधा जाके, वहाँ रूम के पास मेरे ना पेट्रोल पंप है, वहाँ पे कार वॉश होती है, वहाँ पे चल के मैं अभी देखूंगा, अगर रश नहीं होगा तो अभी मैं वॉश करा लूंगा, और अगर रश होगा तो मैं शाम को आके फिर कराऊंगा, तो आप लोग को दिखाऊंगा। उसमें ना जो मेरे रूम के पास वाले जो पेट्रोल पंप है ना, उसमें दो सिस्टम है, सिस्टम क्या क्या बताता हूँ। एक है ना गाड़ी को मतलब ऐसे नॉर्मल ज़मीन पर रख के वो लोग वॉश करते हैं, और एक है गाड़ी को उठा के वॉश करते हैं, तो दोनों का जो प्राइस है ना वो अलग अलग है, अलग अलग लेते हैं। जैसे यहाँ पे ना नॉर्मल है 20 रुपया या 25 रुपया लेते हैं लोग, और ऊपर जो उठा के धुलते हैं वो मेरे ख्याल से 40 रुपया या 50 रुपया लेते हैं। तो ऊपर क्या है, ऊपर उठा के धुलेंगे वही नीचे का जो कचरा रहता है वही साफ़ हो जाएगा। और ये देख लीजिए मेरी गाड़ी, देखिए पूरी कचरा एकदम हो गई है, पूरी कचरा है। तो चलो चल के मिलते हैं पेट्रोल पंप पे, ठीक है दोस्तों, और दिखाते हैं आपको कैसे कार वॉश करते हैं। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं अपना वर्दी भी पहना हूँ, वर्दी उतारा ही नहीं, क्योंकि ड्यूटी से आया हूँ सीधा चला गया था उधर, क्योंकि वो प्लेट मेरे को देना बहुत जरूरी था। आज एक आदमी है वो घर जा रहे हैं, उनको देख के ना उनको देना था कि एक आदमी आ जाए, वो जा रहा है शाम को इंडिया, उनकी फ्लाइट है, तो वो लाजिम हरार में देना ही था मुझे। और ना यार आज सुबह मैं उठा ड्यूटी जाने के लिए, सुबह उठते ही पूरा एलर्जी पकड़ लिया, पूरा नाक एकदम लाल एकदम हो चुका है यार, बहुत बहुत ओवर एलर्जी पकड़ा हुआ है। तो ये वाला है पेट्रोल स्टेशन, यहाँ पे गाड़ी देखिए सब लोग वॉश करा रहे हैं, मेरी गाड़ी का शीशा भी देखिए पूरा ख़राब एकदम हो गया है, और यहाँ पे ना ये लोग ऊपर करके धोते हैं। इसके अंदर ना ये जो छोटी गाड़ी है ना, जहाँ से ये चचा बाहर आ रहे हैं, इसके अंदर एक गाड़ी पड़ी है और एक गाड़ी बाहर है, दो गाड़ी लगी है, और एक आध दो नंबर और होगा, पता करते हैं, देखते हैं, अगर हो जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर शाम को धुलाएंगे। चचा गए अभी, अभी पता करके आ रहे हैं, हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा तो अभी बताते हैं। अभी सामने चचा है, ये आ रहे हैं, हाँ अभी लगाया, टाइम लगेगा ना, चलो ठीक है शाम को फिर आएंगे, ठीक है, चलो दोस्तों फिर ठीक है, फिर शाम को मैं आके ना फिर मैं कार वॉश कराऊंगा तो आप लोग को मैं दिखाऊंगा। ये यहाँ पे ना नीचे से रख के लोग वॉश करते हैं, और ये कुछ सिस्टम है इन लोगों का, पानी सीधा बाहर जाता है, और ये रखा हुआ है बड़ा मशीन है, इसके अंदर से फोम निकलता है वाइट वाला, ये देखिए साबुन, इसके अंदर साबुन रहता है तो साबुन निकलता है। अभी एक गाड़ी इधर वॉश हुई है, इसको क्लीन व्लीन कर रहे हैं, कोई सोच रहे हैं उसको पानी, और अभी इसके बाद मेरा नंबर है, तो यहाँ पे सर्विस होती है, ऑयल चेंज यही सब काम होता है, फिल्टर उल्टर। तो दोस्तों मैं अभी चला गया था ना रूम पे जाने के बाद, वहाँ से मैं शाम को नहीं आया, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे ना रश बहुत ज़्यादा है, तो अभी मैं सुबह में आया हूँ, सुबह में आके अभी वॉश कराता हूँ गाड़ी को। और अभी हम लोग की छुट्टी भी हो गई है साइट की, तो मैं बोला चलो यार अभी तो मेरे को घूमना उमना रहेगा तो गाड़ी तो वॉश तो करानी पड़ेगी। और देख सकते हैं मैं अभी गाड़ी लेकर के अंदर कर दिया हूँ, अभी गाड़ी आएगा धुलेगा तो मैं सब कुछ आप लोग को मैं दिखाऊँगा कैसे ये लोग गाड़ी को यहाँ पर वॉश करते हैं। और मेरी गाड़ी ना यार वाकई में बहुत कचरा है, देखो ये शीशे पर देखो, देख लो कितना कचरा है, बहुत बहुत कचरा है, ये देख लो सामने पूरा कचरा ही कचरा, काफ़ी दिन हो गया था, क्योंकि हम लोग के जो रूम है ना
रूम के पास वहाँ कबूतर वबूतर बैठती है ना, ये देखिए यहाँ पे पूरी पुट्टी करके रखी है, पूरा ख़राब है। तो अभी वॉश कराते हैं यार। इधर ना बहुत बहुत गाड़ी आती है वॉश करने के लिए। देखिए अभी 3 गाड़ी लाइन पर लगी है, और देखिए यहाँ पर सब बाहर गाड़ी ना, ये सब लाइन नंबर पर सब लगी हुई है, ये सब ना यहाँ पर धुलने वाली है, तो उसके लिए नंबर पर लगी है। और जो नीचे ज़मीन पर रख के धुलने वाला है ना, तो वो वाला था, उसके अंदर खाली था, तो मैं घुसा दिया हूँ अभी। तो देखिए इसे एक भाई साहब है इधर, ये गाड़ी वॉश कर रहे हैं। तो अभी देखो हवा हवा मारना स्टार्ट कर दिया है भाई लोग, 3-4 आदमी मिलकर अभी धुलेंगे, 2 आदमी हवा पानी सब मार हो रहे हैं। तो देखिए उसमें ना प्रेशर बहुत ज़्यादा, पानी बहुत कम आता है उसमें से, लेकिन ना प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। तो अभी ये ना ये हवा मार रहे हैं, ठीक है, अभी अंदर से जितना कचरा तो है ना सब साफ करेंगे पहले हवा मार के। तो दोस्तों ये वीडियो मैं किस लिए मैं बना रहा हूँ आप लोग को पता है, क्योंकि यहाँ पे ना जो मतलब वीज़े के रिलेटेड जो भी क्वेरीज आती है ना, तो काफ़ी सारे भाई लोग हैं कि भाई कार वॉश करना है, बहुत मेहनत रहती है, बहुत ज़्यादा काम है, ये वो है। तो उन लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ ये वीडियो, ताकि वो लोग देख लें कि यहाँ पर कार वॉश कैसे होती है, कैसे मतलब क्या मतलब ज़्यादा मेहनत है या मतलब नॉर्मल मेहनत है, तो वो देख के मतलब अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते। और ये एक गाड़ी है अभी वॉश हुई है, ये भाई कंप्लेंट कर रहे हैं, कंप्लेन ये कर रहे हैं ना ये लोग कि गाड़ी ये लोग सही से वॉश नहीं करते हैं, है ना, सही से वॉश नहीं कर रहे हैं ना, गाड़ी सही से वॉश नहीं कर रहे हैं ना। देखो सुन लो आप लोग, हाँ करना नहीं चाहते, करना ही नहीं चाहते हैं, काम चोरी कर रहे हैं भाई ये लोग काम चोरी कर रहे हैं ना। अभी अंदर से ना पूरा जो भी कचरा था हवा मार दी है सब, अभी जा रहे हैं लोग पानी मारने के लिए, पानी मार के अपना सफाई वफाई करेंगे। अभी देखो भाई हैं उठा लिए हैं मशीन, अभी देखो पानी मार रहे हैं। देखो कितना कचरा निकल रहा है, बहुत ही कचरा निकल रहा है। और अभी भाई साबुन मार रहे हैं, अभी ये है फोम साबुन है, अभी इससे क्या ना अभी पूरा कचरा बिल्कुल पूरा साफ हो जाएगा। और ये देखो कितना कचरा है यार, काफ़ी दिन हो गए थे मेरे को वॉश करने। तो अभी देखो गाड़ी ना एकदम चमकने लगेगी। तो अभी देखो यहाँ से ना हैंड से इसको वॉश कर रहे हैं, मतलब ये जो फोम मारे थे, जो साबुन लगा था ना, उसको फोम होता है, कपड़ा होता है, उससे थोड़ा सा साफ कर देते हैं, ताकि जितना भी कचरा रहता है ना निकल जाए। अब कहाँ से हो भाई, पाकिस्तान नेपाल, बांग्लादेश। अच्छा, और आप भी बांग्लादेश से हो ना, है ना, तो ये दोनों भाई बांग्लादेशी हैं। और एक चीज़ और मैं आप लोग को मैं बताता हूँ, जैसे कि ना अभी ये लोग काम कर रहे हैं ना, ये लोग बाहर के आदमी हैं, जैसे ये लोग अभी 2000 रुपये महीने का सैलरी मिल रही है इन लोगों को, रूम है, खाना है, लेकिन अकामा इन लोगों का है, तो सैलरी ठीक ही ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि कम से कम ये है ना रूम पे बैठने से अच्छा है ना कि मतलब काम हो रहा है यहाँ पे। तो 2000 रुपये महीने को मिलता है, खाना भी देता है ये व्हाट्सअप वाला, और रूम भी देता है। वीजे पे नहीं है यहाँ पे बंदा कोई, जो जितना भी बंदा है सब ना बाहर वाला आदमी है, बाहर से मतलब बाहर वाला आदमी है, बाहर से आकर आदमी लोग काम करता है। तो अभी देखो ये लोग पोस्ट अभी फोन से पोस्ट वोस्ट दिए हैं, अभी पानी मार रहे हैं। तो चलो पानी नहीं मार दिए अभी। तो अभी अंदर से ना अंदर से लेके आ गया हूँ बाहर गाड़ी, अभी ये लोग इसको पानी जितना ऊपर है ना ये लोग पोछेंगे। अभी एक आदमी आ गया है और अपना साफ सफाई कर रहा है। तो चलो अभी गाड़ी हो गई है क्लीन बिल्कुल, और ये प्लास्टिक व्लास्टिक मार दिया, थोड़ा सा अंदर से आप लोग को दिखाता हूँ, ये पूरी साफ हो गई है। अभी ये जो मैट है ना उस पर प्लास्टिक लगवा दिया हूँ, मैट पर प्लास्टिक लगवा दिया हूँ, अंदर से भी थोड़ा साफ हो गई है, अभी सही लग रही है। बहुत कचरा था यार, तंग हो गया था मैं। अभी भाई ना टायर पे थोड़ा पॉलिश मार रहे हैं, मोबिल टाइप ऑयल टाइप का कुछ है, पॉलिश टाइप का, तो टायर पे वो लगा रहे हैं, चारों टायर पे लगाएंगे तो थोड़ा शाइनिंग आ जाती है टायर में। अभी देखिए वहाँ पर भी लगा रहे हैं, अभी सब पे लगाएंगे। तो दोस्तों अभी गाड़ी को वॉश वॉश करा लिया, अभी जा रहा हूँ मैं रूम पर, और वीडियो को मैं इधर ही एंड करता हूँ। आशा करता हूँ कि वीडियो देख के आप लोग को समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था ना सिर्फ कि जो भी बंदे, क्योंकि काफ़ी सारे वीजे मेरे को मिले थे जो ये पेट्रोल पंप के थे कार वॉश के, तो ये मैं सोच रहा था काफ़ी दिन से कि यार मैं वीडियो बना के आप लोग को मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे कैसे काम होता है, क्या काम होता है। यार एक बंदा देखो कंप्लेंट किया, ठीक है, कि ये लोग मतलब सही से काम नहीं कर रहे हैं, काम चोरी कर रहे हैं। पहली बात तो ये सब नहीं करना चाहिए, सब गलत है, ठीक है।
तो इसकी वजह से ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही था कि ताकि आप लोग को मालूम हो जाए कि यहाँ पे क्या सिस्टम है कार वॉश करने का सऊदी अरबिया में। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल पे अगर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग को मिलती रहती है मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप लोग के पास जाता रहेगा। ओके दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं कोई नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।